बेटा तुम्हें एक काम ये पकड़ लो फोटो क्या कर यार साइड हो तो हवा नहीं है नहीं तुम अरे अरविंद आप समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ की इस वक्त अपनी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं तो एक एक शब्द जो आज मुलायम सिंह यादव बोलेंगे उस पर सबका हक ध्यान रहेगा क्योंकि कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है कृष्णपाल यादव उनके साथ आज दोनों की मुलाकात थी तो अब अरे सिक्योरिटी साहब अरे भैया सिक्योरिटी जरा और ले लीजिए अरविंद जी ये ले लिए मेरी पार्टी बन के आई आप लोगों ने मेहनत की जी गरीबी में बर्बाद हुआ जेलों में गए राशियां भी खाई बहुतों के फैक्टर भी अपने बारे में कह सकता हूँ ज्यादा गया चाहे बनारस की जेल हो चाहे फतेहगढ़ की जेल हो चाहे मैनपुरी की जेल हो जहाँ गए वहाँ मुझे गिरफ्तार उसी संघर्ष के कारण समाजवादी पार्टी बनी थी मुझे मजबूर होकर अलग बनानी पड़ी अलग बनते ही 11 महीना के अंदर सरकार बना के आप लोग आप बच्चे चले गए इतने बहुत लोग हैं आज भी हम इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं रहना था दिल्ली कि हमारी पार्टी की एक काम कोई भाषा नहीं आते अरे यार पार्टी की एकता के लिए हमने पूरा समय दिया लेकिन आप गांधी के नाम लूंगा नहीं पार्टी ये अलग मुझे फोन लगा दूसरे दलों के नेताओं से फोन मिलना है जो चाहते पार्टी उनसे बता दो कहीं गुमराह के अंदर पाले एक बता दो हमारे यहाँ दूसरी पार्टी नेता आए शिष्टाचार मिले तो मैंने उसका सम्मान किया लेकिन पार्टी के संबंध में बात करने के लिए आप तक सभी पार्टी नेता में दूसरे नेताओं से बात करने के लिए कभी कभी गठबंधन हो गया है कभी कभी समझौता होगा तो सीधे तो बात स्वाभाव के वही करने आए वही करने आए मैंने बात की अगर हमें काम पड़ेगा शादी विवाह होगा और दूसरी पार्टी का नेता बनाएगा मैं कर जाऊंगा आप भी जाइए आप भी जाना पड़ता है ये तो संबंध ऐसे है लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश है कि माहौल बनाया मैं आपके अपने बारे में क्या बताऊंगा ये लोग जानते होंगे
मामूली तरीके है नहीं, और जब वो एमरजेंसी है तो बताओ उसके पास में रह पाएंगे नहीं रह पाए। 4 बजे रात के 8 बजे आते थे अकेले बन थे भाई भाई, और पिता मेरा हो रहा था हो रहा था कम से कम मतलब भाई तो किसी तरह से ये गायब हो गया, 8 बजे रात के गायब हो जाता, और 4 बजे हम वहाँ पर काम ढूंढने करके पहुंचे, पर आप उन्हें काम रहा और भारी मौत से भुगता दिया भैया दोनों जगह से रामकर भी ने भेजा दिया और वहाँ पर भी ये बता पहले से देखती हूँ कि हमारी पहली में आपकी पहली पे हम दे पहले ये बता दो है ना हमने आपकी राय की कर दिया जी जी जी। अच्छा आप क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है कि नहीं? कुछ नहीं, जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है? कुछ मेरे पास आप लोग, हम लोग आजीवन रहेंगे। जनता की भगवानता बढ़िया है, पर वो है हमारे, तो ये सब है वो हमारे हैं। मैंने ये भी कहा जनता और कार्यकर्ता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी की हुई बैठी पार्टी को उठेंगे। इतना सम्राट मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, लिखा पड़ी कर रहे लोग न तो समाजवादी पार्टी न बन रहे जी हाँ, और न हम चिन्ह बन रहे हैं। आज आप होता है पार्टी का नाम अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी नाम, और वो मोटरसाइकिल चिन्ह ये किन्नी ने के लिया राम गोपाल जी बोलो सुन ले पक्षी दलों से मिले हुए पार्टी के बाहर जो बनना होगा पार्टी है क्यों बना तो वो पार्टी बना रहे और खुद की बता दी से बना रहे फंसे हैं ये सभी आई मेरे को यहाँ के 3 बार आपने देख लिया होगा मेरे तुझी बार की शांत रहो भाई तुम मिले चौथी बार का मुझे पता और 3 बार का पूरा देश पता हमें हमेशा हमें पढ़ाएंगे आपकी बहुआ जाता रोल हम पढ़ाएंगे गांधी करता था आपकी कैदेश पर हमें पढ़ाएंगे आपकी बहुआ लड़का जो हम पढ़ाएंगे गलती करता था मदद करेंगे आप ऐसे लोग सुन जाएंगे जिन्हें फंसाया रख दीजिए सर और अपनी साइकिल भी रखना जी 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 जी।
बताइए पसंद क्या नहीं बिल्कुल नहीं नेता जी क्या पसंद करोगे नहीं करेंगे रख दीजिए सर और अपनी साइकिल भी रखा था जी साइकिल को लगा ऐसा मुझे क्या मतलब है आपको किसी विवाद में न पढ़ना नहीं पड़े विवाद में पड़े हम बढ़ते रहेंगे तुझे विवाद में नहीं होगा जय हो नेताजी हम किसी कीमत पर पार्टी की एकता चाहते हैं इंतजार था कि कहीं कोई बड़ा ऐलान करेंगे फिलहाल बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते कि जो बातें अब तक कहते आए थे उन्हीं बातों को दोहराया है उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को टूटने नहीं देंगे और यहां पर अपनी बात रखने से पहले उन्होंने बताया कि किस तरह मेहनत करके उन्होंने और शिवपाल यादव ने इस पार्टी को खड़ा किया है कैसे उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना घर बार तक छोड़ा उन्होंने बताया कि यहां पर अब उनके पास कुछ नहीं बचा है अगर बची है तो केवल और केवल वो जनता जो उनके साथ इस वक्त खड़ी है तो मुलायम सिंह यादव यहां पर आए और उन्होंने यही कहा कि पार्टी में दावेदारी पर विवाद जरूर चल रहा है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ना टूटे पार्टी की एकता में कोई बाधा ना आए और पार्टी को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमने पूरा समय दिया है वही राम गोपाल यादव को लेकर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि राम गोपाल यादव चाहते हैं कि दूसरी पार्टी बन जाए और अखिलेश से कहा कि तुम राम गोपाल यादव के चक्कर में क्यों पड़े हो तो यहां पर मुलायम सिंह यादव ने पुराने दिनों को याद करते हुए पार्टी में अपने योगदान को दोहराया कहा कि जब आपातकाल था हमने वो आपातकाल भी झेला और किस तरह से हमने गांव-गांव जाकर मिलों चलकर पार्टी को खड़ा किया है ये मैं और शिवपाल जानते हैं तो हम इस पार्टी को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे साथ ही मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि हम जान रहे हैं कि पार्टी का कौन सा ऐसा शख्स है जो दूसरे दलों से मिल रहा है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस पार्टी को तोड़ना चाहता है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे हमने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है इसको आगे बढ़ाया है तो पूरी कोशिश यहां पर यही है कि समाजवादी पार्टी ना टूटे तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ शादी में ही दूसरे नेताओं के घर जाता हूं और यहां पर अपनी पार्टी को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं ना तो चुनाव चिन्ह बदलेगा ना ही पार्टी बदलेगी और उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव 3 बार दूसरी पार्टी के अध्यक्षों से मिले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर मैं भी जरूर मिलता हूँ दूसरी पार्टी के लोगों से लेकिन वो मौका कुछ खास होता है शादी ब्याह का मौका होता है लेकिन मैं किसी और मकसद से दूसरी पार्टी के नेताओं से नहीं